करी, वेलकम टू फूड एंड बियॉन्ड। और आज मैं आपको सिखाऊंगी ग्वाकामोली बनाना। ग्वाकामोली साउंड्स वेरी अनफेमिलियर काफ़ी जगह पे, मगर अमेरिका में बहुत कॉमन है और इट्स अ मैक्सिकन डिश एक्चुअली। और बनाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, घर में चीज़ें होती हैं इसको बनाने के लिए, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक ग्वाकामोली बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए एवोकाडो का होना बहुत ज़रूरी है। एवोकाडो इधर बाजार में कम दिखाई देता है इंडिया में, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली वहाँ पे थी तो मेरे को इतना दिखाई नहीं दिया, मगर आप उसको ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर करा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बटर की तरह लगता है, तो आप इसको टोस्ट पे लगा के खाइए, चिप्स के साथ खाइए, और कॉर्न चिप्स टोटियाज के साथ खाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और आप अपने हिसाब से इसमें मिर्च वगैरह डाल सकते हैं। एंड लेट्स गो, इट्स अ मैक्सिकन डिश, सो लेट्स गो एंड मेक इट एंड यू वॉच। एंड आपको अगर आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो। और मैं काफ़ी आसान रेसिपीज डालती हूँ, तो आप इंजॉय करिए, बनाइए, खाइए, खिलाइए और स्टे सेफ। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ग्वाकामोली कैसे बनाती हूँ। उसके लिए जो हमें चाहिए है, ये एक तरीके की है, कई तरीके से ग्वाकामोली बनाते हैं, मगर जो मैं आपको बता रही हूँ वो है धनिया। हरा धनिया बहुत ज़रूरी है, ऑफकोर्स एवोकाडो के बिना ग्वाकामोली नहीं बन सकती, तो वो तो आपको चाहिए चाहिए। टमाटर है, प्याज है, नींबू है, ये होम मेड हालापेनियो है, और ये कार्मलाइज्ड बिना शुगर के कार्मलाइज्ड कॉर्न है, और हमें थोड़ा नमक चाहिए इसमें। तो हम शुरू करते हैं। चॉपर में मैं नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि उसमें थोड़ा स्मेल आती है थोड़ी बाद में, क्योंकि किसी किसी प्याज का पानी निकल जाता है, तो मैं ये बोल में डालती हूँ। अभी इसमें ये एक टमाटर, बड़ा टमाटर है, कार्मलाइज्ड कॉर्न, और अब हम थोड़ी हलपीनियो लेते हैं। ये बनानी बहुत आसान है, मैंने इसकी रेसिपी भी अपनी वेबसाइट में डाली है, तो आप इसको देखें और बनाइए और बना के रखिए, क्योंकि तो ख़राब नहीं होती, पिकल की तरह होती है। तो ये, और अब धनिया इसमें गया, और अब मैं इसमें डालती हूँ नींबू का रस, बहुत आ गया। अब मैं करती हूँ ये एवोकाडो, टेस्टी लगता है, तो आप इंजॉय करिए। और आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर। सो टिल देन वी मीट, बाय बाय फॉर नाउ।